हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना से चलकर रांची को जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस और दानापुर से चलकर टाटा नगर तक जाने वाली सुपर एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय रेलवे ने इन दोनों ट्रेन्स को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम लिया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वह कदम है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पटना से रांची और रांची से पटना आने जाने वाले ट्रेन यात्रियों को झटका लगा है। झारखंड सरकार के अनुरोध पर आगामी 13 जुलाई के प्रभाव से वर्तमान में पटना से रांची और दानापुर से टाटा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ पटना से रांची जाने वाली स्पेशल ट्रेन आंशिक रूप से रद्द होगी, जबकि दानापुर से टाटा जाने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्ण रूप से रद्द रहेगा। और दोस्तों, साथ में रेलवे की ओर से इसमें कहा गया कि 13 जुलाई 2020 से गाड़ी संख्या 02365 और 02366 पटना रांची पटना स्पेशल ट्रेन सिर्फ पटना और गया के बीच चलेगी, जबकि गया और रांची के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा। इसी तरह दानापुर से चलकर टाटा जाने वाली गाड़ी संख्या 08183 और 08184 दानापुर स्पेशल का परिचालन दानापुर से टाटा के बीच पूरी तरह से रद्द रहेगा। अब दोस्तों, हम लोग अगर बात करते हैं इसके पीछे का कारण, तो ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने रेलवे से उक्त दोनों ट्रेनों को झारखंड की सीमा में चलने से रोक लगाने का आग्रह किया। इसको देखते हुए रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से आप लोगों ने जाना भारत में भारतीय रेलवे द्वारा कई प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि कोरोना संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जाए, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने कई सारे ट्रेनों को अभी तक बंद रखा है और हो सकता है कई ट्रेनों को बंद कर दे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।